जैसे ही शाम होती है हर किसी के दिमाग में एक बात जरूर आती है कि बच्चे को और हस्बैंड को सुबह ब्रेकफास्ट में, लंच बॉक्स में, टिफिन में ऐसा क्या बनाकर दिया जाए जो फटाफट बन के तैयार हो जाए, हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और बनाने में भी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही आसान सी रेसिपी जो फटाफट बन के तैयार हो जाएगी और साथ में खाने में भी टेस्टी लगेगी, बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को ये पसंद आएगी। और सबसे मेन बात कि आज की ये जो रेसिपी है ये घर में उपलब्ध सामान से ही बन जाएगी, बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए इसे बनाने के लिए। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि आज की ये जो मजेदार सी रेसिपी है ये किस तरह से बनाई जाती है। तो रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मीडियम से थोड़े बड़े साइज का आलू। तो यहाँ पर मैंने ना आलू को अच्छे से पानी से धो लिया था, अब हम आलू का छिलका उतार देंगे, छील लेंगे आलू को। तो मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए कच्चे आलू का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे क्या होता है ना कि सुबह सुबह जल्दीबाजी काफी रहती है तो कच्चे आलू से ये रेसिपी काफी बढ़िया और एकदम टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है और इंस्टेंट रेसिपी है तो कच्चे आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास उबला हुआ आलू है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू को रफली काट कर वेजिटेबल चॉपर में डाल देंगे, तो मेरे पास वेजिटेबल चॉपर है मैं इसलिए इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो आलू को मीडियम साइज के ग्रेटर में कद्दूकस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्च ऐड कर दी है और इसके बाद में मैंने इसमें अदरक का टुकड़ा ऐड कर दिया है। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं और अगर आप ये जो आलू है इसे कद्दूकस कर रहे हैं तो हरी मिर्च को बारीक काट कर ऐड कर लें और जो अदरक है उसे कद्दूकस कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आलू, हरी मिर्च और अदरक को काफी बढ़िया से एकदम फाइन चॉप कर लिया है और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से ये चॉप हो गए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस हो गए हैं इनके। तो अब हम इनको किसी भी एक बड़े साइज के बॉल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक कटोरी से मेजर करके ऐड कर रही हूँ, तो जितनी चॉप किए हुए आलू की क्वांटिटी थी उतना ही मैंने यहाँ पर चावल का आटा ले लिया है। अब अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप क्या करें कि चावल को मिक्सी में पीस लें और छान लें उसको अच्छे से, तो आपको चावल का आटा मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर मैंने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दिया है और लगभग 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें सूजी ऐड की है। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से और इसके बाद में हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। तो मैंने ना जितना आलू चॉप करके लिया था और जितना चावल का आटा लिया था उतने ही क्वांटिटी में मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है, मतलब एक कटोरी मैंने चावल का आटा लिया है, एक कटोरी ही मैंने चॉप किया हुआ आलू लिया था और एक कटोरी ही मैं यहाँ पर इस रेसिपी में पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। फ्रेंड्स इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर अपनी पसंद की वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसको बहुत ही सिंपल बना रही हूँ इसीलिए मैं इसमें सिर्फ आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आलू से भी ये रेसिपी काफी बढ़िया और टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बढ़िया से सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, मिला दिया है सभी चीजों को अच्छे से और बढ़िया एकदम गाढ़ी कंसिस्टेंसी का घोल बनके तैयार हो गया है। तो हमें ना ऐसी ही कंसिस्टेंसी का घोल बनाकर तैयार करना है, मतलब घोल ना बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर घोल बनके तैयार है, अब हम इस घोल को साइड में रख देंगे। इसके बाद एक नॉनस्टिक पैन को थोड़ा गरम कर लेंगे और उसके ऊपर कुकिंग ऑयल को स्प्रेड कर देंगे। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कुकिंग ऑयल स्प्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ 2 से 3 बूंद जितना ही कुकिंग ऑयल स्प्रेड करेंगे और पैन को हम गरम होने देंगे। जब तक पैन गरम हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे कि बैटर में आधा शीशेट इनो का ऐड कर देंगे और इनो को ना अच्छे से थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बैटर है वो पूरी तरह से बनके तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि जितने बड़े साइज के हमें उत्तपम बनाने हैं, पैनकेक्स बनाने हैं, उतना घोल हम ले लेंगे और पैन में डाल देंगे। बैटर को अच्छे से पैन में फैला देंगे, अच्छे से इसको शेप दे देंगे। वैसे ये जो राइस पैनकेक्स हैं इनको आप ना किसी भी नॉनस्टिक तवे पर भी बना सकते हैं या फिर नॉनस्टिक कढ़ाई में भी बना सकते हैं, काफी आसानी से ही बनके तैयार हो जाते हैं। तो गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे और इसके बाद ढककर इनको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते, बढ़िया इनके ऊपर कलर नहीं आ जाता। थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे
वैसे मैंने इनको बनाने के लिए कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो यहाँ पर बटर या फिर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब हम इसे पलट देंगे और लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए धीमे मध्यम आंच पर हम इसे सेक लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी बढ़िया सा कलर इसके ऊपर आ गया है और हमारा जो राइस आलू पेनकेक है वो पूरी तरह से बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से हम बाकी के सारे आलू राइस पैनकेक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इतने बैटर से यहाँ पर मेरे लगभग 4 से 5 राइस पैनकेक्स बनकर तैयार हुए हैं। हो सकता है साइज के अकॉर्डिंग आपकी कम या ज्यादा बनकर तैयार हो। तो फ्रेंड्स, एक बार आप ये रेसिपी बनाकर जरूर ट्राई करें, बहुत ही आसान और बड़ी ही स्वादिष्ट रेसिपी है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस पेज पर नए हैं और अभी तक आपने पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की आसान आसान सी रेसिपीज लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।